students, this is Jyotsna and you are watching Maths in 3D channel. So today we are going to discuss about the most asked questions from my students. मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ questions repeatedly मुझसे पूछते हैं कि मैम which book we should follow, RD or RS? तो या फिर कई बार ऐसा भी कहते हैं कि मैम ML अग्रवाल पकड़े हैं, अरिहंत की मैम ने लगवाई है स्कूल में, तो कौन सी किताब हमें फॉलो करनी चाहिए? So the second question which they repeatedly ask कि अगर आपने कोई किताब बोल दी, मैंने बोल दिया कि बेटा आप आर डी शर्मा लिखो, तो then they ask कि मैम क्या आर डी शर्मा पूरी करनी है? You can see this आर डी शर्मा is too big. So क्या हम पूरी करेंगे, मतलब इतना टाइम कह लो या इतना नहीं हो पाएगा उनसे, हमें दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो आप थोड़ा गाइड कर दो. So इस वीडियो में मैं इन्हीं चीजों को कवर करने वाली हूँ. एंड ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर, आई एम गोइंग टू कवर फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट टू सिक्स, क्योंकि हमने अभी सिक्स चैप्टर तक ही किया है यूट्यूब में, तो इन्हीं चैप्टर्स को मैं कवर करने वाली हूँ. तो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. पहली जो आपका क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आपको एक नहीं दो तीन दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है. आपने पूछा कि कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए. तो किड्स, इफ वी टॉक अबाउट बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स फॉर द मैथ्स, अगर हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द फाइनल एग्जाम्स या फिर आपकी पीरियोडिक टेस्ट के व्यू से, तो वो आपको क्वेश्चन सभी बुक्स में मिल जाएंगे. आप कोई भी किताब उठा लो उसमें वो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे. ठीक है, नीड नॉट टू वरी. द सेकेंड थिंग इज दैट विच बुक यू शुड बाय. अब अगर मैं बात करूं आर डी शर्मा की, मैं अभी दो किताबों को ज्यादा कंपेयर करने वाली हूँ, दैट इज आर डी और आर एस. तो अगर मैं आर डी शर्मा की बात करूं, आर डी शर्मा बेटा नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर मच 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 मोर देन क्वेश्चंस. तो एग्जाम्पल्स हैं तो मतलब उसका सोल्यूशन भी होगा, दैट इज वाई दैट बुक इज मच 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 बिगर देन द आर एस अग्रवाल, है ना. आर डी शर्मा काफी मोटी लगती है क्योंकि उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. एंड ऑल्सो आपके चैप्टर जो है ना दिए हुए, जो भी आपके चैप्टर एनसीईआरटी में, उन्होंने क्या किया है, टॉपिक्स के चैप्टर बना दिए. जैसे कि रैशनलाइजेशन का अलग से चैप्टर है, एक्सपोनेंट्स का अलग से चैप्टर है, यू नो फैक्टराइजेशन का अलग से है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का अलग से है. तो दे हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, डेफिनेटली आर डी शर्मा में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द आर एस अग्रवाल में क्वेश्चंस सॉल्विंग मतलब अनसॉल्वड क्वेश्चन ज्यादा है, और आर डी में सॉल्वड क्वेश्चन ज्यादा है. तो अगर तो बेटा आपका मैथ्स थोड़ा वीक है, अगर आपको लगता है कि मतलब आई हेट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं निकलता यार, सो व्हाट टू डू, सो यू शुड बाय आर डी शर्मा. बिना डरे आर डी शर्मा खरीद लीजिए, क्योंकि आपको डर लगता होगा इतनी मोटी किताब, तो बिना डरे खरीद. आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करनी है. वट यू हैव टू डू, अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो आर डी शर्मा कि भैया आपने कहाँ पे गलती. सो दिस हेल्प्स यू कम आउट ऑफ योर फेयर फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट जिनके लिए मैथ्स बाएं हाथ का खेल है, आप कह सकते हो बहुत आसान लगता है, तो चूज आर एस अग्रवाल, क्योंकि उसमें अनसॉल्व क्वेश्चन बहुत ज्यादा है. तो आपकी जो एक आप कहते हैं ना कि भूख होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, अपने आप को जरा फील करवाने की कि यार है ना बिल्कुल मुझे ये चैप्टर आ गया बिल्कुल पानी की तरह, तो आप जब अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, आंसर्स को मैच करेंगे, यू फील बेटर. एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज भी आर एस अग्रवाल में ज्यादा दिए. ठीक है, तो ये तो वन का नॉर्मल कंपैरिजन. अब बात करते हैं अपनी एनसीईआरटी, डू नॉट फॉरगेट एनसीईआरटी. बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी से ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी कुछ भी नहीं यार, है ना, इसको तो पता नहीं क्यों बनाया गया. वन शुड इम्प्रोवाइज इट, यस वन शुड इम्प्रोवाइज इट, बट स्टिल एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू गेट क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. तो विदाउट कंप्लीटिंग योर पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी, डू नॉट स्टार्ट एनी बुक, कोई भी रेफरेंस बुक, जैसे मान लो नंबर सिस्टम है, फर्स्ट कंप्लीट योर एनसीईआरटी अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, देन स्टार्ट आर योर आंसर्स. सो दीज आर सम सजेशंस रिगार्डिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, भैया कितना मटेरियल हम इसमें से करें, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है. तो इसका आंसर मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर देती हूँ. अच्छा, सबसे पहले चैप्टर हम पकड़ते हैं नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में क्या चीजें हैं पहले उसको देखते हैं. इन द नंबर सिस्टम ये जो चैप्टर है इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया, इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर यू नो अर्लियर ऑल्सो, बट आई थिंक यू डोंट
नो अबाउट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर, कि किस किस तरह के होते हैं. तो इसमें इरैशनल नंबर को ज्यादा फोकस किया गया है. एंड देयर इज आल्सो क्वेश्चंस रिगार्डिंग यू नो कंस्ट्रक्शंस, कि भैया इसको रैशनल या इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है, तो ये चीज भी इसमें बताई गई. सेकेंड थिंग मतलब नेक्स्ट थिंग जो आपको बताई गई है, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड नेक्स्ट थिंग एक्सपोनेंट्स एंड रैशनलाइजेशन. तो ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें दिए. अब बात करते हैं कि इनमें से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको आरडीआरएस से करने पड़ेंगे, कौन से टॉपिक्स हैं. तो दो टॉपिक्स आर रैशनलाइजेशन एंड एक्सपोनेंट्स. इसके सेपरेट चैप्टर आपको आरडी शर्मा में दिए गए, सो प्लीज डू दैट फॉर मी. ठीक है, आप एक्सपोनेंट्स और अपने रैशनलाइजेशन दोनों चैप्टर्स आप आरडी शर्मा में से कर सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. अब बात करते हैं पॉलीनोमियल्स. पॉलीनोमियल्स में यू नो पॉलीनोमियल्स की बात करें तो नंबर सिस्टम पॉलीनोमियल्स के सामने कुछ भी नहीं है. पॉलीनोमियल्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बिकॉज इट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल्स, वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड यू हैव अ रिमाइंडर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर थ्योरम, एंड ऑल्सो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. तो जितनी भी आपकी आइडेंटिटीज हैं that ends in the ninth class, क्योंकि ninth class के बाद कोई और algebraic identities add on नहीं होती है. तो factorization is also there. तो polynomials की बात करें तो topic बहुत है जो important होंगे. सबसे पहले तो remainder theorem, which is very important, factor theorem, which is very important, and then factorization, algebraic identities, ये सारे के सारे चार मैंने अभी आपको topic बताए, factor theorem, remainder theorem, and algebraic identities and factorization. ये चार के चार टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा बुक से करने की जरूरत है. Why we need it? First, for the conceptual clarity, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए सके, ठीक है, और हम मतलब बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सके. Third thing is कि NCERT में number of questions regarding this topic is a very less, ठीक है, और एग्जाम्स में इन टॉपिक्स में जो मैं बता रही हूँ आरडीआरएस में से करनी है, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बाहर से आते हैं, आरडीआरएस में से आते हैं, ठीक है, और बाकी जो टॉपिक्स मैं आपको नहीं बोल रही हूँ करने के लिए, उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही. अब अगली बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ स्मॉल चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर फ्रॉम यू एनसीईआरटी, में भी आरडीआरएस सब में बहुत छोटा सा चैप्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया गया भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इन अ कार्टेशियन प्लेन, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस. तो सिर्फ ये तीन चार बातें बताई गई हैं. और अगर मैं आरडी शर्मा की बात करूँ या आरएस अग्रवाल की बात करूँ, तो बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का किसी भी एक्स्ट्रा बुक से करने की जरूरत नहीं है. जस्ट The conceptual clarity is important in this chapter. अगर आपका concept clear है तो बिल्कुल NCERT करो और exam देने चले जाओ, आपके full marks आएंगे. अब बात करते हैं linear equation. Linear equation भी अपने आप में एक छोटा ही chapter है, कुछ ज्यादा बड़ा chapter नहीं है. In this we are doing introduction to the linear equations and how we are going to plot a line in a plane. All these say geometrical representation of this linear equation. ठीक है, तो हम लाइन को कैसे प्लेन पे प्लॉट करते हैं ये हम इसमें सीखते हैं. सॉल्यूशंस क्या है इसके लीनियर इक्वेशन के ये हम सीखते हैं. तो इफ वी से अबाउट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज आल्सो वेरी गुड ऑफ द लीनियर इक्वेशन. यू कैन डू ऑल एनसीईआरटी फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, नो नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा. आई इसमें कुछ प्रॉब्लम सम्स हैं जो लास्ट एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन के दिए गए हैं, दैट यू शुड डू फ्रॉम आरडीआरएस. वो आपको आरडीआरएस से कर लेनी चाहिए. है कुछ थी, यू जस्ट हैव टू डीकोड दैट प्रॉब्लम, मेक एन इक्वेशन एंड ड्रॉ अ लाइन. है वो भी बहुत इजी. तो अगर आपको एनसीईआरटी की आसान लगी तो बस, और बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता इसका. अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज यूक्लिड ज्योमेट्री. यूक्लिड ज्योमेट्री तो इतना सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है. उसके अंदर एक्सियम्स आते हैं, पोस्टुलेट्स आते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इजी थिंग्स. यू जस्ट हैव टू क्रैम दीज थिंग्स. एंड क्वेश्चंस की बात करें तो एनसीईआरटी से कर लो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो this is some, let's come to the lines and angles. Okay, lines and angles is just starting of geometry. अगर मैं geometry की 9th class की बात करूँ, 9th class is all about geometry. Lines and angles, triangles, you know, parallel
area between the parallel lines of a triangle and the parallelogram. And the next chapter is quadrilateral circle. So they are big line ahead. So lines and angles sirf starting hai. So agar aapko lines and angles nahi aata, matlab aapko aage ke chapters bhi nahi aate. Kyunki sari cheeze aage aage agle chapter mein use hoti hai. Theek hai? So lines and angles is a very important chapter. Isme cheeze kya kya aati? Interaction to the lines, different types of lines. Intersecting lines, parallel lines, or we have all types of angles over there. Obtuse, acute, to chalo aapne pad rakhe. We have an corresponding angles, alternate interior angles, vertical opposite angles, linear pair ho gaya apna. Angle sum property and exterior angle properties also there. So we have a lot of things over there. Aur agar is chapter ki baat kare to main aapko ye suggestion dungi, isme do tarah ke questions hai. Pehle jisme aapko figure diya hoga, triangle diya hoga, parallel lines diye hongi, you need to find out angles. So my dear kids, ye angles aap प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा बुक यूज जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी. एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिए हूँ जिसमें आपको एंगल्स ढूंढने, क्योंकि उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं जो आप पहले पढ़ चुके. ठीक है, देयर इज नो स्पेशल चैप्टर फॉर इट, नो स्पेशल एक्सरसाइज फॉर ऑल दीज क्वेश्चन. ये कहीं ना कहीं आपको बीच में इनवाइट मिलेंगे और डिफरेंट टाइप की टेढ़ी मेढ़ी फिगर्स होती है, तो डेफिनेटली आपको आर ई आर एस से करने की उसको जरूरत है. अब बात करते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन, दैट इज प्रॉब्लम सम्स. प्रॉब्लम्स मीन जिसमें आपको टू प्रूफ करना होता है कुछ ना कुछ. ये एक नई चीज है और इससे बच्चों को डर भी लगता है. ओह माय गॉड, टू प्रूफ, ये पता नहीं कैसे करना. हाँ, ये किसी से भी एक गो में नहीं होता. ये ध्यान रखना, किसी से भी जो भी नया बच्चा जो सिक्स क्लास में आया है, टू प्रूफ क्वेश्चन कर रहा है, तो ये मत सोचिए कि इस बंदे को आ गया, उसने ये सीखा है. तो अगर आपके एनसीईआरटी में मुश्किल से मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन होंगे टू प्रूफ वाले, ज्यादा नहीं, जिसमें आपको प्रूव कर रहा है. मिरर वाला क्वेश्चन हो गया या लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन जो टू प्रूफ में आते हैं, वन ऑफ अ टू आर एग्जांपल्स आल्सो. तो बेटा आपको मैं सजेशन दूंगी, लाइंस एंड एंगल्स का मैंने एक वीडियो किया था जिसमें था 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. प्लीज डू दैट थिंग, आप उसको करो, उस एक बार उस लेक्चर को देख लो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने उसमें डिस्कस किए थे सिर्फ 5-4 एनसीईआरटी में से थे, एक मैंने आरडीआर आरएस लिया था. ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने बहुत इजी इजी प्रूफ उसके बताए, तो उसको कर लो अच्छे से, बेहतर तरीके से आपको आ जाएंगे, तो आपको इतना डर नहीं लगेगा इस चैप्टर से. ठीक है, और अगर मैं आरडीआरएस की बात करूँ, बिल्कुल आपको इस चैप्टर को आरडीआरएस से पूरा कंप्लीटली करना चाहिए. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अलग अलग तरह से करना, 2 पोर्शन बना के, तो एंगल्स ढूंढने वाले और एक टू प्रूफ वाले, तो दैट विल ईजी रहेगा आपके लिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. मैं एक बार से रीकैप दे देती हूँ. इफ वी टॉक अबाउट द नंबर सिस्टम, रैशनलाइजेशन एंड एक्सपेरियंस, इफ वी टॉक अबाउट द पॉलीनोमियल्स, देन वी हैव अ रिमाइंडर फैक्टर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन. इफ वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन एंड यूक्लिड ज्योमेट्री, तो ये तीनों चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी से ही करने हैं. यू डोंट हैव टू वेट फॉर आरडीआर. And if we talk about the lines and angles, तो ये सबसे पहला ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है. प्लीज इसको एनसीईआरटी के अलावा भी, और एनसीईआरटी में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो छोड़ मत देना, आरडीआरएस से करने की जरूरत है. वंस अगेन एट द एंडिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, बाय जस्ट 1 बुक अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर. दोनों किताबें या 3-4 किताबें मत खरीद. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे. आपको कुछ और ऐसे सेशन चाहिए, आपको लगता है कि मैम थोड़ा इसके बारे में भी बताइए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि यू नीड अ सेशन फॉर दैट. आई विल डेफिनेटली डू दैट. ठीक है, वी आर जस्ट फॉर यू किड्स. ओके, सो आज के लिए इतना भी. सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑलवेज कीप स्माइल. बाय, टाटा.